हाय एवरीवन, मुँ पवित्र आपणमानंकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल एजु पॉइंट को। जमीति कि कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन रो ऑलरेडी दुटा पार्ट अपलोड हो सारी, जो मैंने देखी ना देखिपारे आज पार्ट थ्री अपलोड हम क्वेश्चन नंबर 101 रु 150 पर्यंत। जदि आपण वीडियो भल लगे नॉलेज गेन करती देन काइंडली वीडियोटी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो मैंने चैनल को नुआ विजिट करते निश्चिंत रूपे सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 आसगला कौन अच्छी देखो। An area of a computer that temporarily holds data waiting to be processed। ताल तार करेक्ट आंसर कौन है जो क्वेश्चन नंबर 101 रो ऑप्शन बी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 102 डैश इज द की, कौ कीटा यूज करा जाए टू क्लोज ए सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट देन कैंसिल ए कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। ताल करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 103 डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। सिलेक्टेड कमांड को रन करने कौ की यूज कराए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एंटर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 104 डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज ए बॉक्स। कौ फंक्शनल कीटा यूज कराए कौन करने टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी F12। क्वेश्चन नंबर 105 डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। तो डाटा बिकम्स कौन इनफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 106 द टर्म डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनालिटी। ताल करेक्ट आंसर कौन है जीवो करेक्ट आंसर है जीवो पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 107 ए डैश इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। कौटा गोटे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। ताल करेक्ट आंसर है जीवो कौन पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट 108 RAM can be treated as the dash for the computer's processor। कंप्यूटर प्रोसेसर पर RAM को हिसाब से ट्रीट करा जाए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेटिंग रूम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 109 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। को ए सब ऑप्शन भितर कोटा ऑपरेटिंग सिस्टम रो फंक्शन। तो करेक्ट आंसर हो ऑल द अबव ए सब जाक ऑपरेटिंग सिस्टम रो फंक्शंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 110 आसीगला टू मूव ए कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। गोटे फाइलटा को कॉपी करी मूव करवाई गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर को जोटा कौ थे है ना कम्युनिकेशन चैनल थ्रो रे है कौन कह जाए। तो करेक्ट आंसर हो फाइल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 111 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज टू सेट अफ द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो ना 111 बायोस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 112 व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड वोलेटाइल। कौ प्रकार मेमोरीटा बोथ स्टैटिक आ वोलेटाइल। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी रॉम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 113 डैश इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तल करेक्ट आंसर कौन हो 113 113 करेक्ट आंसर हो सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 114 द डैश इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। तार करेक्ट आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 114 करेक्ट आंसर कौन हो ना डाटा ट्रांसफर रेट जहाँ को आम DTR कहू। ए डिवाइस व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड। गोटे डिवाइस जोटा कि CPU सह कनेक्टेड नथाय ताकु ताले कोन कह जाय ता कह जाय ऑफलाइन डिवाइस जोटा कि अछि ऑप्शन सी। 115 सरला 116 व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम्ड चिप रो अदर नेम कोन करेक्ट आंसर कोन हे जीवो क्वेश्चन नंबर 116 रो ऑप्शन हे जीवो रॉम ROM रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 117 ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन डैश जेनरेशन। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टमटा कौ जेनरेशन रे पॉपुलर है तले करेक्ट आंसर हो 117 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थर्ड जेनरेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 118 यू यूज डैश सच एज ए कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इनफर्मेसन। तले करेक्ट आंसर कौन हो यू यूज को आम कौन यूज करूँ। तले करेक्ट आंसर हो 118 रो करेक्ट आंसर इनपुट डिवाइसटा यूज करू आग। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 119 डैश इज द अबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू डॉट रिक्वेस्टेड डाटा। कौटा गोटे अबिलिटी ऑफ ए डिवाइस गोटे डिवाइस रो टू जंप कर पारे कौटू ना डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा जो रिक्वेस्टेड डाटा थी सीटी डायरेक्टली जंप कर पारे। तो करेक्ट आंसर कौन हो करेक्ट आंसर 119 रो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस।
120 ড্যাশ প্রোভাইডস প্রসেস অ্যান্ড মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস দ্যাট অ্যালাউ টু অর মোর টাস্ক জবস অর প্রোগ্রামস টু রন সাইমলটেনিয়াসলি। কোন ড্যাশ প্রোভাইডস কি প্রোভাইড করতে সেটা তাহলে করেক্ট আনসর হয়ে যাব 120 120 র করেক্ট আনসর হয়ে যাব মাল্টি টাস্কিং। নেক্সট যা 121 দি টাস্ক অফ পারফর্মিং অপারেশনস লাইক এরিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেশনস ইজ কল্ড ଦି ଟାସ୍କ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଅପରେସନ୍ସ କେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲା ନା ଏରିଥମେଟିକ୍ ଆଉ ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ସ ହୁଏ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ତାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 121 କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରୋସେସିଂ। ନେକ୍ସଟ 122 ALU ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ALU ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ତାହେଲେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ 122 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ CPU ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 123 ରାମ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ରାମ୍ ଗୋଟେ କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 123 ହେଇଯିବ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ରାମ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 124 ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଏଇଟା କାହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 125 ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ 125ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଓକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ 125। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 126 ରାମ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ରାମ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ରାମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ମେମୋରି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ 126। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 127 ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କ'ଣ ବା କେଉଁଟା ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ କ'ଣ ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରେ କେମିତି ନା ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ ଇଟ୍ ଆକୁ ପାସ୍ କରେ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଆଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 127 127ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରେଜିଷ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 128 ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ଅଡ୍ ୱାନ୍ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ କେଉଁଟା ବାଛିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି 128ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଅଡ୍ ୱାନ୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 129 ଏ ଡ୍ୟାଶ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କମାଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସପ୍ଲେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୁ ମେକ୍ ଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେନ୍ ମେନ୍ୟୁ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 129 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡାୟାଲଗ୍ ବକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 130 କୋବଲ୍ କୋବଲ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ରୋନିମ୍ ଫର୍ କୋବଲ୍ଟା କାହା ପାଇଁ ଆକ୍ରୋନିମ୍ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୋବଲ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 130 ରହିଯିବ ବୋଥ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଅପସନ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ଅପସନ୍ ସେମ୍ ଅଛି। ଓକେ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୋଥ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 131 ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଏଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେସି ରିସ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ତୋର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ଅଲ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ କାହାର ନା ରିଏଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ନା ପ୍ରାଇଭେସି ରିସ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସ୍ପାମ୍ 131 ଗଲା ସ୍ପାମ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 132 ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋର୍ ମେଜର୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ରହିଲା ମେଜର୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲା ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ତାହେଲେ 132ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆନାଲାଇଜିଂ ଦି ଡାଟା ଅର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 133 ଆସିଗଲା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ତଳେ ସବୁ ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କହିଲା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା କେଉଁଟା ନୁହଁ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 133ର 133ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା କ'ଣ ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ଡାଟା ଫାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବାହାର ଯାଏ କ'ଣ ହାର୍ଡ଼ କପି ହିସାବରେ ବାହାର ଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ବାହାର ଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ପୁରା ଡାଟାଟା ବାହାରେ ସିନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ବାହାରେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ତା ଦେହରେ ତ କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇ ରହିଲାନି ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 134 ଦି CPU ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ CPU ଆଉ ମେମୋରିଟା କେଉଁଠି ଲୋକେଟେଡ୍ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 134ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ମଦର୍ ବୋର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 135 ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମେସିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଡୁ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 135ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 136
servers are computers. Servers are computers that provide resources to other computers connected to a counter connected hegi tar correct answer is networked. 136 option A. Next jiba question number 137. When creating a computer program, jeta computer program ta create kara jae, the dash designs the structure of the program. ताल करेक्ट आंसर कौन है जीवो? करेक्ट आंसर 137 रहे जीवो ऑप्शन बी सिस्टम एनालिस्ट. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 138 आसी होला ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड. गोटे कंप्यूटर प्रोग्राम जोटा कि कन्वर्ट करे एंटायर प्रोग्राम कोथरे ना इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम ताल ताकू कौन कह जाय. ताल करेक्ट आंसर कौन है जीवो? क्वेश्चन नंबर 138 रो करेक्ट आंसर है जीवो ऑप्शन डी जोटा अछि कंप्लायर. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 139 कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इनफॉरमेशन. कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करे डाटा कोटी को ना इनफॉरमेशन को बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ का सो एक्सक्लूसिवली वर्किंग करी. तल करेक्ट आंसर हे जीवो 139 रो करेक्ट आंसर हे जीवो नंबर्स. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 140 द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द. तल करेक्ट आंसर हिजबो 140 रो करेक्ट आंसर हिजबो डिजिटल डिवाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड. तल करेक्ट आंसर कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 141 करेक्ट आंसर हिजबो प्रोसेसिंग. 142 द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल्स. गोटे एबिलिटी बा क्षमता जोटा कि कौन रिकवर करिपे रीड करिपे डिलीटेड आ डैमेज फाइल को फ्रॉम क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी इज कॉल्ड. ताल तक कौन कह जाए? ताल तक कौन कह जीवो ना कौन कह जीवो कंप्यूटर फॉरेंसिक. ओके नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 143 Where does most data go first within a computer memory hierarchy? Most data गुड़ा का कोटि गुझाए इन ए कंप्यूटर मेमोरी इन हायरार्की. ताल करेक्ट आंसर कौन हो? क्वेश्चन नंबर 143 रो करेक्ट आंसर हो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 आसीगला द डैश डाटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल्स. द डैश डाटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल्स. तार करेक्ट आंसर कौन हो ना न्यूरल नेट्स. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 145 आसी होला डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूजर हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट. गोटे वेबसाइट को रिटर्न करिया पाई कोटा यूज करा जाए. ताल करेक्ट आंसर हो जीवो कौन कुकीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 क्वेश्चन नंबर 146 होला कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ्स और लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज. ताल करेक्ट आंसर कौन हो जीवो? करेक्ट आंसर ए बारकोड. ओके नेक्स्ट जीवो क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 147 आसी होला Why is it unethical to share copyrighted files with your friends? गोटे copyrighted फाइल टाकू आउ का सह शेयर करिबाटा कौन पाई अनएथिकल. मु सेटा भूल पढ़देली अनएथिकल कौन पाई काहेकि ना शेयरिंग copyrighted फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स copyright लॉज. ओके से रूल्स को ब्रेक करे. ताल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 148 चाहिला रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम. रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जोगुड़ा सेटा टिपिकली हैव द एक्रोनिम को एक्रोनिम. ताल करेक्ट आंसर हे जीवो क्वेश्चन नंबर 148 रो करेक्ट आंसर आपण माने कमेंट करी जणैबे. आकु आगुर गोटे पचारथिले प्लस एटा गोटे पचार ए दुटा पचारछि. नेक्स्ट दुटा 149 150 मु कहि दउछि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन. ताल करेक्ट आंसर कौन है जीवो? करेक्ट आंसर है जीवो 149 रो ऑप्टिकल जोटा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल्स इज सेट टू बी. ताल करेक्ट आंसर कौन हम आर जोटा करेक्ट आंसर हम सेटा ऑप्शन रे नहीं. करेक्ट आंसर टा कौन मु कहि दउछि करेक्ट आंसर हम वायरलेस डिवाइस. ताल किंतु एठी वायरलेस डिवाइस नहीं. ताल करेक्ट आंसर कौन है जीवो नॉन ऑफ दिस.
आशा करुच्छी भिडियोटी आपको भल लगे भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे सेयार करेंगे जो मैंने चैनल को नुआ भिजिट करते निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे आउ गोटे पार्ट अपलोड हम फंडामेंटल कंप्यूटर आउ गोटे पार्ट में अपलोड शेष करवा प्लस आपण मानी 140 बछा बछा ओडार जिके रेडी अच्छी काली किंबा पहरदिन अपलोड हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।